हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार, आप लोगों का अपना चैनल बिहार डिफेंस एक्सप्रेस पर। अब आर्मी की वर्दी दूर नहीं, इस मोटिव को लेकर हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं जो कि रिटर्न सेटेड है, प्रैक्टिस सेट। और आप लोग जानते हैं कि हम जीडी में तभी सिलेक्शन कर पाएंगे जब हमारा मेरिट दोनों सेक्शन मिलाकर अच्छा बनेगा। तो इसके तहत रनिंग के साथ साथ हम लोग ये अपने चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट भी कराने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन में अपना जरूर योगदान दें और अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करके मेरिट बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी जीडी में चार सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन सामान्य ज्ञान से होता है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा सामान्य विज्ञान से होता है जिसमें भी 15 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा मैथमेटिक्स से होता है जिसमें भी 15 क्वेश्चन होते हैं। और चौथा रीजनिंग से होता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें जो आप जानते हैं जैसा कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग रखा जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से अच्छा कर रखते हैं तो इसमें 45 से अगर एवव स्कोर आप कर जाते हैं तो आपका ये सिक्योर एक अच्छा सा मतलब स्कोर होगा जिसके तहत आपका मेरिट बहुत अच्छा जाएगा। आइए अब हम आप मिलके इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आप अपने दोस्तों के बीच शेयर और लाइक जरूर करें। जैसा कि आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। आप लोग भी हमारे साथ साथ करते चलें। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को प्रत्येक साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़। कायक क्या है? कायक एक प्रकार का है, क्या चीज़ है? जनजातीय औजार है, नाव है, जहाज है, हथियार है। तो मैं आपको बता दूं, कायक नाव में पानी का रफ्तार जो होता है, जो उसका बहाव होता है, उसको काटने का एक औजार होता है। तो इससे मतलब ये कायक जो है नाव सीटेड है, कायक। अगला क्वेश्चन है, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जैसा कि आपको ऑप्शन है कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, में से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन के सारे भी इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। कृष्णा आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की नदी है, नर्मदा भी इसको मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन बनाया जाता है, नर्मदा नदी को, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलनी चल बहती है। तो हमारा ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गोदावरी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा है? भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा है? आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन हैं INS तरंगिणी, INS गरुड़ा, INS विराट, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको, INS तरंगिणी, ऑप्शन नंबर ए, INS तरंगिणी। आगे आप लोगों को क्वेश्चन हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? मैं थोड़ा इसमें करेक्ट करना चाहूँगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नहीं है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है या फिर विश्व की सबसे छोटी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन आप लोगों का दक्षिण अमेरिका में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका से बहती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषा संबंधित है? ऑप्शन से 9वीं, 11वीं, 8वीं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का संकलन किया गया है 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? डेविस कप, डूरंड कप, FA कप, थॉमस कप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थॉमस कप हो जाएगा। आपको बता दूं, डेविस कप जो पहला ऑप्शन है ये टेनिस से रिलेटेड है,
डूरंड कप फुटबॉल से है और एफए कप भी फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, भारतीय सेना के कितने कमान है, भारतीय सेना के कितने कमान है? भारतीय सेना के कितने कमान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 कमान है, भारतीय सेना के 7 कमान है। अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? चूंकि ये सेट जो है पुराना है, इसलिए यहाँ पर अभी के डेट में जो हम लोगों के बीच में स्टेट हैं भारत में मात्र 28 स्टेट हैं, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तेलंगाना होगा, लेकिन 29वां नहीं 28वां स्टेट है तेलंगाना, 28वां। अभी हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कि हमारे यहाँ 28 ही स्टेट हैं जिसमें लास्ट तेलंगाना को माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन हैं विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू होगा। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। अगला क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं वीएस नायपाल, आर के नारायण, टैगोर, चार्लेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर के नारायण होगा। आप लोग भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देते रहें। अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित? ऑप्शन हैं टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो सानिया मिर्जा आप लोगों का टेनिस से संबंधित है, सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस खेलती हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन से सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानी ऑप्शन हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। अगला ऑप्शन है क्लाइव और सियाजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी है बाबर जहां लोदी। ऑप्शन नंबर डी है नादिर शाह और मोहम्मद शाह। तो पानीपत की लड़ाई जैसे हम जानते हैं कि 1526 ईस्वी में हुआ था, ये किनके बीच हुआ था? तो ये आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो था जीत गया था और इसी ईयर से भारत में मुगलों का शासन आता है। तो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन के ऊपर है, मलेरिया किसके कारण होता है? ये दूसरे सेक्शन सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआल डिसीज है। अगला क्वेश्चन है, एंटी स्टेरॉयल विटामिन का नाम बताइए। एंटी स्टेरॉयल विटामिन में से कौन सा है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। एंटी स्टेरॉयल को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई हो जाएगा, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच है, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है? कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है को बताना है। तो कार्य बल जैसा कि हम जानते हैं, बल बराबर कार्य बराबर सॉरी
कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू विस्थापन। सिंकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? अगला क्वेश्चन आपके बीच, सिंकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? कुनेन, एस्पेरिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुनेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए हवा की गति, वर्षा, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। मेरे साथ साथ दोस्तों आप लोग भी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहें, अपने से भी कुछ अपना आंसर लगाते रहें, ताकि आप खुद ब खुद भी अपने आप को जांच सकें कि हम कितना कर पा रहे हैं और कितना इम्पोर्टेंट है ये सेशन करना। तो आप इसको ज़रूर करें। तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप। अगला क्वेश्चन आगे बीच, कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में उपयोग की जाती है? सोडा वाटर, जैसा कि आप जानते हैं सोडा वाटर कोको कोला पेप्सी, इसको कहा जा सकता है सोडा वाटर। तो बताना है कि कौन सी गैस जो होती है सोडा वाटर में उपयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर आप लोगों के बीच ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि और सदिश राशि आप लोग पढ़े होंगे, तो अदिश राशि इसमें दिशा नहीं होती है, तो कौन से इसमें से हो जाएगा अदिश राशि? ऑप्शन नंबर ए गति, बल, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। जैसे जानते हैं गति में भी दिशा होती है, त्वरण में भी दिशा होती है, बल एक अदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बल। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश है, हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश है, आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, लोहा, वसा, विटामिन्स। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश है। लोहा जो है आपका हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश है। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ऊतक, कोशिका, ऑर्गन, ऑर्गन तंत्र। जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका। कोशिका जो है जीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया का होता है? दूध जो हम लोग जमाते हैं, जो दही बन जाता है, वो किस बैक्टीरिया का होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध से दही का जमना कौन सा प्रोसेस है, मतलब बैक्टीरिया की तरह होता है कि वायरस से होता है, क्या से होता है? तो यहाँ पर पहले ही दे दिया है कि दूध का दही जमना बैक्टीरिया से होता है। आपका नाम बताना है उस बैक्टीरिया का, किस बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन हैं एरोबिक, ईकोली, लैक्टोबैसिलस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से दूध दही में बदल जाता है। दोस्तों इस सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अपने मेरिट के लिए अपने आप को सिक्योर रखेंगे। तो आप ज़रूर इस प्रैक्टिस सेशन को करें ताकि इस बार आर्मी की वर्दी आपसे जितना छूटे। हम लोग इसीलिए प्रैक्टिस सेशन लाए हैं कि हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमसे रिलेटेड लोग हैं, वो इस बार की आर्मी वर्दी ज़रूर पहने। आइए अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? बताना है, ऑप्शन हैं NO2SO2, CO2, यहाँ डबल हो गया है, O3O2,
ऑप्शन नंबर डी NH3SO2। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NO2SO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापक क्या है? विद्युत धारा का मापक यानी कि विद्युत धारा जो है कौन से यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट मीटर, बी एम मीटर, सी एनेमोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम मीटर। एम मीटर से हम लोग करंट को मापने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच, प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा उठा आपको चूज करना है? ऑप्शंस हैं लाल, नीला, हरा, नारंगी, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाल, नीला और हरा हो जाएगा। ये हमारे तीन वो प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है? कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोजोम, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव शरीर गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मानव शरीर गतिविधियों को यानी जो भी हम करते हैं कोई भी काम उसको कंट्रोल करने का काम कौन सा करता है? ऑप्शन है हार्मोन्स, फोरमैन, ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हार्मोन्स हो जाएगा। हमारे शरीर से बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हार्मोन्स हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, ये हमारा दो सेशन साइंस और जनरल नॉलेज का हो गया। अब हम अपने अगले सेक्शन मैथ जाते हैं और अपना मैथ स्टार्ट करते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ये आपको बताना है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो कार दौड़ रही हो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाइए। तब तक ध्यान दें, यहाँ पर यहाँ दिया हुआ जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, हमको बताना है सेकंड में, और ऑप्शंस हैं मीटर में यानी कि मीटर पर सेकंड में हमको बताना है और किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है काम करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कि 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ स्पीड क्या है, दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 बार में कट गया, यानी कि 6×5=30, 30 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया अगर मीटर प्रति सेकेंड में बात करें तो, यानी कि एक सेकेंड में 30 मीटर की दूरी तय करेगी। तो 15 सेकेंड में निकालना है तो हम 30 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15×45 यानी 450 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान देने की बात है, किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ स्पीड है और हम उससे पूछ रहा है 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी मीटर में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड अपन इसको बदलना होगा, उसके बाद हमको आंसर देना होगा। तो 15 सेकंड में 30 के रेट से, 30 मीटर पर सेकंड के रेट से 450 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगले बीच, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज से मिलने वाला साधारण ब्याज उस धनराशि का 6 वर्ष में आधा हो जाता है,
तो धनराशि बताएं, धनराशि क्या होगी? किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज से मिलने वाला साधारण ब्याज उस धनराशि का 6 वर्ष में आधा रहता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए एक क्वेश्चन से। आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे, साधारण ब्याज की बात है तो साधारण ब्याज हर साल उतना ही रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग बदल जाता है, लेकिन साधारण ब्याज हर साल उतना ही रहता है। तो 6 वर्षों में आधा हो जाता है, तो पहले हम 6 वर्ष निकालेंगे कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो 8% के रेट से 6 वर्ष में हमको 48% मिलेगा। 48% जो है किसी धनराशि का आधा है, किसी धनराशि का आधा है 48%। बताना है कि वो धनराशि क्या है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज से मिला साधारण ब्याज उस राशि का 6 वर्षों में आधा हो जाता है, तो उस धनराशि को ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, तो जब 48% ये हो गया तो हमको पहले पता होना चाहिए कोई आंकड़ा रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, तभी तो उसका हम 48% निकालेंगे तो बताएंगे कि उसका 48% इतना हुआ, तो उसका 100% इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी देंगे, कारण के यहाँ पर आंकड़े जो हैं पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दिया हुआ रहना चाहिए तभी हम किसी भी प्रिंसिपल का निकालेंगे कि 48% कितना होगा, उसके बाद उसका 50% कितना होगा, आधा के बात कर रहा है। तो अतः यहाँ पर आंकड़े जो हैं अपर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन आगे बीच, यदि किसी एक वृत्त में त्रिज्या एक यदि किसी एक वृत्त त्रिज्या में यदि किसी एक वृत्त में त्रिज्या 75% की वृद्धि की जाए, मिस प्रिंट है यहाँ पर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में होना चाहिए 75% की वृद्धि की जाए, तो उसकी परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये बताना है। 75% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, एक बताना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 75% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 75% का फ्रिक्शन आप लोग याद रखेंगे 3/4 होता है। 3/4 कैसे होता है, तो 75% का मतलब 75/100, इसको हम काट देंगे 25 से, तो 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, यानी कि 3/4 हो गया। तो अब देखते हैं हम वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, यानी कि पहले वाले का हम अगर नीचे वाले का डिनोमिनेटर माने, अगर किसी भी फ्रिक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी कि अगर पहले किसी वृत्त की त्रिज्या 4 थी, यहाँ पर आय के जगह पर हम 4 रखें, पहले अगर किसी वृत्त की त्रिज्या यहाँ 75% का मतलब 3/4, यानी पहले अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 4 थी, अब उस वृत्त की त्रिज्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है, यही हुआ। इसका मतलब कि आप 75% की वृद्धि कर दिया अगर त्रिज्या में, तो पहले अगर 4 था तो अब वो 7 हो गया है। तो अगर बताना है कि कितना वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि हो गया, तो यहाँ हम देख लेंगे कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। कॉमन ले लेंगे 2 × π/7, 22/7 कॉमन ले लिए, तो बाद में वाला 7 − 4 किए तो 2 × 22/7 × 3 आया, बट्टा में ओरिजिनल वैल्यू 2 × 22/7 × 4 × 100, इतना तो वृद्धि किया। हम जानते हैं कि किसी भी परसेंटेज के वैल्यू में वृद्धि या कमी का निकालना हो हमको आंकड़ा, तो हम ओरिजिनल वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखते हैं। यहाँ से 2 और π/7 ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से
25 बार में ये कट जाएगा 100, तो 25 तय 75, यानी कि 75% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा, 75% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच, यदि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर कितना। क्वेश्चन है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर कितना, यह बताना है आपको। ये क्वेश्चन है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर कितना। अब आप लोग यहाँ एक बार ध्यान देंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, क्या उसको बोलते हैं अगर दूसरे शब्द में बोला जाए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है वो आपको टैन थीटा होता है। ये जो है टोटल वैल्यू ये टैन थीटा के इक्वल हो जाएगा, टैन थीटा यानी कि टैन थीटा बराबर 1 दिया गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि थीटा का मान कितना रहेगा, तो टैन थीटा का मान 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन के बीच, एक गोलार्ध के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ऑप्शन है 3π² 2π² 4π² π² ये तो फॉर्मूला ही दे दिया है गोलार्ध का वक्र पृष्ठ। गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, पूरा गोला नहीं आधा गोला, और उसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालना है। क्या होता है गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे क्या हो जाएगा 2πr², क्योंकि पूरा गोले का क्या होता है, गोले का आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, और गोलार्ध पूछ रहा है यानी कि बटा 2 यानी कि 2πr² इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके बीच, 12 और 30 के तृतीय अनुपात का मान 9 और 25 के मध्य अनुपात के मान का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके बीच, 12 और 30 के तृतीय अनुपात का मान, ये सिर्फ क्वेश्चन है, कैसे कहेंगे इसको, 12 अनुपात 30 अनुपात 30 अनुपात x, ये होता है तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला। समानुपात यहाँ पर होगा 12:30, समानुपात 30:x, तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, 12/30 इक्वल टू 30/x। तो x का मान यहाँ कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 30, तो 30×30/12, 6×2 12, 6×5 30, और 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, तो 15×5 75, यानी कि x का वैल्यू जो आ गया 75 आ गया 75 इसका, पहले वाले क्वेश्चन का। दूसरा है 9/25 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या है, तो याद रखें मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है, अगर मध्य अनुपात निकालना हो मान लीजिए y हो तो उसका अंडर रूट ए बी यानी कि 9×25, ये फॉर्मूला होता है मध्य अनुपात का। तो 9×25 कैसे निकलेगा, ये 9 का दानवे करते हैं आप लोग 3 होता है वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, इस तरीके से ये 15 आ गया। तो क्या पूछ रहे हैं आपका, का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि 75/15 पहले के दूसरे से, तो 15×75 यानी कि 5:1 इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:1। इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। ये जो आप लोगों को 9/25 का मध्य अनुपात निकालना होगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 9:x(x=25) ये, यानी कि यहाँ से ऐसे हो जाएगा 9/x=x/25, तो x² =
25 गुणा 9, तो एक्स स्क्वायर जो 25 गुणा 9 है तो एक्स क्या आ जाएगा अंडर रूट में 9 गुणा 25। तो यही हम बोले आप लोगों को कि अगर मध्य अनुपात निकालना तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें अंडर रूट ए बी ए टू बी, इस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, यदि 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, ये बताना है आपको कि 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ट्रिकी सॉल्यूशन, 36 आदमी जो है किसी काम को 25 दिनों घंटे में कर रहे हैं, एक आदमी कितने दिन में करेगा, एक आदमी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये बहुत ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 गुणा 36, और 15 आदमी के निकालना है तो 15 आदमी को करने में एक घंटा से एक आदमी से थोड़ा कम टाइम लगेगा तो कम करने के लिए भागा दे देंगे, तो 5 तिया 15, 5 पचास 25 और 3 से 12 36, यानी कि बढ़ती आई 36 घंटा, 12 पचास 60 घंटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, 12 पचास 60 घंटा। अगला क्वेश्चन अलग बीच है, प्रथम सात प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम सात प्राकृत संख्याओं के वर्ग, प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृत संख्या वैसी संख्या मतलब कि एक से काटने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो सात को निकालना है उसका वर्ग का औसत। तो पहला एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, दूसरा प्राकृत संख्या दूसरा का स्क्वायर चार, प्लस तीन का स्क्वायर नौ, प्लस चार का स्क्वायर 16, प्लस पाँच का स्क्वायर 25, प्लस छः का स्क्वायर 36, प्लस सात का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा। सात को हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक से लेकर सात तक के सब संख्या के वर्ग के जोड़ के, और उसका औसत निकालने के लिए जानबे करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जय को ऊपर परीक्षण रहता है उसको गिन कर उतने से नीचे से भाग देते हैं, जिसको हम जोड़ लेंगे 9 6 15 5 20 6 21 9 30 4 34 1 35 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 13 13 13। नंबर 9 6 15 5 20 6 26 26 9 35 4 39 41 हुआ यहाँ पर, सॉरी 40 की 4 0 हासिल, 4 4 8 8 3 11 11 2 13 13 1 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यानी कि 140 बटे 7 कट जाएगा 20 7 40 से, यानी कि 20 क्वेश्चन क्या हो जाएगा 20। इस तरीके से क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग बीच, ये आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है 347 गुणा 347 गुणा 47, ये आप लोग देख लीजिए, इस ध्यान दीजिए, ये जो है अगर 343 को हम ए माने तो ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीन बार मल्टीप्लाई किया है, और 113 को अगर बी माने तो बी क्यू हो जाएगा, यानी कि फार्मूला दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी बी, यानी कि बी स्क्वायर, बी से बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर। तो आप लोगों को अभी यहाँ फार्मूला याद रहना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला भैया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, और बट्टा में ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो टोटल नीचे वाले से ऊपर इतना कट जाएगा, पर कितना जाएगा a माइनस बी, ये कितना हम लोग माने थे, a माने थे हम लोग 343 को, और बी माने थे 113 को, माइनस कर देंगे क्या जाएगा 230,
इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 230, 230 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 68,621 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पहले ध्यान रखेंगे दोस्तों कि पूर्ण वर्ग को हम कब पहचाना है, कोई पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो पहले हम ध्यान दें कि पूर्ण वर्ग होने के लिए किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर कितने अंक रहेंगे तो उसको हम सोच सकते हैं अंदाज से कि हाँ ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो उसके लिए है एक, जैसे कि एक का स्क्वायर करने पर एक आता है, दो, दो फिर यहाँ चाहिए फोर, कैसे टू का स्क्वायर फोर होता है। अगर यहाँ चाहिए सिक्स, सिक्स का स्क्वायर कितना बार भी करेंगे यूनिट ईयर पर सिक्स ही आएगा। उसके बाद अगर यूनिट ईयर पर फाइव है तो वो हो सकता है स्क्वायर। उसके बाद नाइन है तो वो हो सकता है स्क्वायर, क्योंकि थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, यानी कि 1, 4, 6, 5, 9 इतने ही अगर नंबर रहे किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो स्क्वायर, किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर अदर नंबर हैं तो वो स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम देखें तो सात, सात जो है कहीं भी स्क्वायर करने पर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस पर नहीं आ सकता है। सात, आठ कहीं भी स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस नहीं आ सकता है। तो उस चीज़ पर हम ध्यान रखें कौन कौन से नंबर हैं जो यूनिट प्लेस पर आ सकते हैं और हम उनको देखते ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐड करना है, बताना है कि ऐड करके किसको पूर्ण वर्ग संख्या बना सकता है। तो हम लोग अगर क्लास रहती थोड़ा लंबी सेशन वाली तो उसमें बताते कि यहाँ पर पहले कैसे पूर्ण वर्ग निकाला जाता है। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए लास्ट के दो डिजिट पहले दिखाया जाता है। तो 21 है, 21 हम क्या जोड़ेंगे जिससे ऐसा कोई नंबर आ जाएगा जो कि किसी का स्क्वायर हो। तो हम देखते हैं कि अगर चार जोड़ते हैं 21 में तो लास्ट में 25 हो जाएगा, जो कि किसी यानी पाँच का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें ऑप्शन नंबर ए 4 जोड़ें तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इसमें हम अगर पाँच जोड़ते हैं तो 6 भागा 26 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि 26 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। या फिर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, 27 भी नहीं होता है। 8 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 भी नहीं होता है। एक केवल ऑप्शन बच रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए 4 जोड़ने पर 25 आएगा, जो कि पूर्ण वर्ग हो सकता है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं आता है तो आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं, इसमें भाग देकर 4 से पूरा इसका वर्गमूल निकाल कर होता है कि नहीं होता है। जैसे कि एक वो नियम है कि जैसे कितना दिया है 6,80,625 हो जाएगा 4 जोड़ने के बाद। तो लास्ट का टू डिजिट 5 25 है, 25 5 का स्क्वायर होता है, इसको लिख लेंगे यहाँ। अब फिर देखेंगे इसको, इस बचे हुए पार्ट को, कि किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर करीब आता है। तो ये आता है आपको 80 के ऊपर, 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6,400 आएगा। 81 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ से देख लेंगे हम कि 81 का स्क्वायर कितना आता है, 82 का कितना आता है, किसके करीब आ रहा है। तो आप लोग अगर 82 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर उसे करीब आएगा, 2 2 4 8 2 16 6 6 65 ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 21 के करीब आ रहा है। तो आपको आ जा रहा है, हल्का सा कम हो रहा है, यानी कि 82 ही होगा, कारण कि 83 ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 होगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच, ए की आयु बी से 11 वर्ष अधिक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का 15 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु क्या हो। दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस लगाने से ये चीज़ देखने को मिलता है कि हर एक सेक्शन से, मैथ के हर एक सेक्शन से, यहाँ पर हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। तो हम इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान आप लोगों को ये जरूर हेल्प करने का काम करेंगे कि हर चैप्टर से उस सारे क्वेश्चन के बारे में ब्रीफली आप लोगों को जानकारी दी जाए, ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएँ। देखिए ये एज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक या बीस से 11 वर्ष अधिक है,
ग्यारह वर्ष अधिक है ऐसे क्वेश्चन में जब कम या अधिक रहता है तो पहले उस चीज को उस आदमी को हम उतना दे या लेके उसका रफा धफा कर लेते हैं। यहाँ एक आयु 11 वर्ष अधिक है तो पहले हम एक को 11 वर्ष दे देंगे, यानी कि 15 जब उसका दोनों का जोड़ है अभी फिलहाल के एज का और 11 वर्ष वो अधिक है तो पहले उसको हम 11 दे देंगे यानी कि 4 बच गया। अब इस 4 को हम दोनों में इक्वल कर बांट देंगे यानी कि 2 2 का हो जाएगा। जब 2 2 का बांट दिए तो इसका 2a वाला का अभी का और 11 वर्ष क्योंकि वो बड़ा है तो इसमें 11 अगर जोड़ देते हैं तो 13, यानी कि a जो है 13 वर्ष का भी है और b जो है 2 वर्ष का है। इस तरीके से दोनों का जोड़ने पर 15 भी आएगा और इससे 2 से 11 जो है 13 जो है 11 वर्ष अधिक भी है। तो इस तरीके से बी का उम्र पूछ रहा है यानी कि 2 वर्ष बी का उम्र है और ए का उम्र अगर पूछता तो 13 वर्ष का रहता। अगला क्वेश्चन साहब के बीच निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। ये ट्राई करिए अपने से कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन होगी। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों क्या करना होता है। ये √2 है, वैसे तो ये बहुत हल्का दिया हुआ है, बहुत छोटा सा डी डिवाइड √2 में। अगर बड़ा होता तो क्या करते, पहले देखते हैं। यहाँ पर 2 का हम पावर रूट का मतलब होता है 1/2, यहाँ 2 का पावर में 2, यहाँ 1/3 क्योंकि क्यूब रूट है और यहाँ 4 का 1/4 ये दिया हुआ है। अगर बड़े क्वेश्चन सब क्या करते, ऊपर वाले जितने भी पावर हैं उनके हर का हम एलसीएम ले लेंगे तो 2, 3 और 4 का एलसीएम जो होता है 12 होता है और उस 12 से हम सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से यानी कि यहाँ आ गया 2 का पावर 6, यहाँ आ गया 3 का पावर 4, यहाँ आ गया आपको 4 का पावर 3। तो अब हम देख लेंगे आसानी से कि 2 का पावर 6 32 होता है, 3 का पावर 4 81 होता है और 4 का पावर 3 64 होता है। इस तरीके से अगर देखें यहाँ 2 का पावर 6 64 होता है। इस तरीके से अगर देखें तो 64, 81 और 64 इन तीनों में 84 जो है सबसे बड़ी है। तो इस तरीके 84 किसका है, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, 3/3 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन कट गए हैं, ये 3/3 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर 3/3 होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, ध्यान देंगे यहाँ दोस्तों, यहाँ हर जगह बात उत्तीर्ण किया जा रहा है लेकिन यहाँ अनुत्तीर्ण दिया है, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसका इतना 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 निकाल लें तो आसानी से निकल लें और फिर डेसिमल में नहीं आए। तो हम मान लेते हैं कि अगर टोटल स्टूडेंट्स सौ हैं तो 100 का 80% यानी कि 80 जो है स्टूडेंट वो इंग्लिश में पास आउट है। उसके बाद 100 का 85% निकालेंगे यानी कि 85 स्टूडेंट जो है मैथ में पास आउट है और उसके बाद 100 का 75% निकालेंगे यानी कि 75 स्टूडेंट जो है दोनों में पास है इंग्लिश प्लस मैथ। तो अब यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं। कैसे बनाएंगे, 80, 85 और 75 ध्यान देना है, 80, 85, 75 80 इंग्लिश में, मैथ में 85 और दोनों में 75 पास आउट है और ध्यान है दोनों 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अब वो ट्राई करिए क्या इसका आंसर हो सकता है।
दोस्तों अब यहाँ पर देखें आप, इसको हम वेन डायग्राम से मानते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, हम स्पेस ले लेते हैं हल्का। यहाँ जी देखिए, ये हो गया मैथ और ये हो गया इंग्लिश, और ये जो पोर्शन है ये बोथ का हो गया, यानी कि दोनों पास आउट। तो पहले हम वेन डायग्राम आते समय क्या करते हैं, पहले हम जो दोनों में पास है उसको फिल करते हैं। तो 75 स्टूडेंट जो हैं 100 में से दोनों स्टूडेंट में पास हैं, और दिया हुआ है कि इंग्लिश में जो है कितना है, इंग्लिश में आपको टोटल, इंग्लिश में टोटल आपको कितना हो गया यहाँ पर, इंग्लिश में 80, यानी कि टोटल यहाँ पर इंग्लिश में 80 स्टूडेंट जो है पास आउट हैं। तो 80 स्टूडेंट पास आउट है इंग्लिश में, अब 75 दोनों में है, तो 75 इस गोले को अगर देखा जाए तो 75 पहले से हो गया, यानी कि 5 गो और जो है केवल इंग्लिश में पास हुआ है, और मैथ में टोटल दिया है 80, तो 75 यहाँ है पहले से, तो मैथ में है 85, मैथ में शायद 85 दिया हुआ है, हाँ मैथ में 85 दिया है। तो आपको 75 तो यहाँ पहले से ऑलरेडी फिल है दोनों में, यानी कि 10 इसमें भराएगा, तो 75 और 10 85 मैथ में जाएगा, और 75 5 80 इंग्लिश में जाएगा, दोनों मिलके टोटल हम जोड़ेंगे तो 10 5 15 और 75 90 स्टूडेंट ही यहाँ पर पूर्ण रहे हैं, जो कि 100 हम लोग माने थे, 100 में से 90 स्टूडेंट ही किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, या तो दोनों में या तो किसी एक में, यानी कि 90 स्टूडेंट पास हुए हैं। कुल मिलाकर 10 स्टूडेंट जो हैं हमारे हिसाब से फेल कर चुके हैं, हम उत्तीर्ण हैं। इस 10 का वैल्यू जो है क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है, यानी एक का वैल्यू 4 हो गया। हम लोग माने हुए हैं कि हम लोग स्टूडेंट शुरू में 100 थे, तो 100 का वैल्यू 400 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 400 हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल में 4 स्टूडेंट थे, जबकि हम मान रहे थे कि 100 स्टूडेंट थे, जिसको हम 100 मान के बनाए। तो ऐसे क्वेश्चन किसी तरह समय आता है, चूँकि परसेंटेज भी है 100 माना लाजमी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6.46 का, 6.46 का अंशीय रूप क्या होगा, अंशीय रूप यहाँ पूछ रहा है 6.46 का अंशीय रूप क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आर्मी जीडी में, तो आप लोगों को जरूर ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल में है और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस का, ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये जो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट पर रिकरिंग होता है उसका वैल्यू 1/9 माना जाता है, तो यहाँ हम 6 को पूरा लेंगे, 6 + 46 / 2 को डेसिमल के बाद रिकरिंग नंबर है, तो 2 × 9 यानी 99 इसके बटन हो जाएगा, और हम इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो 99 6 गुणा करके और फिर 46 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 640/99। इसका आंसर 9×6 = 54 और 9×6 = 54 और 5 = 59 यानी कि 594। अब 594 में अगर हम 46 जोड़ देते हैं तो 6×4 = 10, 9×3 = 14 और 5×6 यानी कि 640/99 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आगे बीच 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक बताना है आप लोगों को, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ध्यान देंगे दोस्तों। महत्तम समापवर्तक जब किसी अंश बटे हर नंबर का पूछता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पूछेगा महत्तम समापवर्तक पूछा तो हम ऊपर वाले सभी का यानी कि सभी के अंश का मसा निकाल देंगे, लेकिन सभी के हर का लसा निकालेंगे। अगर कभी लघुतम समापवर्तक यानी कि एलसीएम पूछ दे, एलसीएम कहीं पूछ दे, तो सभी के अंश का एलसीएम निकालेंगे और सभी के हर का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि उल्टा क्वेश्चन होता है, जब महत्तम पूछेगा तो हर का एलसीएम निकालेंगे और जब लघुतम पूछेगा तो हर का महत्तम निकालेंगे, यानी कि अंश तो वही निकालेंगे जो पूछा रहेगा लेकिन हर उल्टा निकालेंगे। तो यहाँ पर 2/8 = 64/10 अगर इसका हम एचसीएफ निकालें, टू
एट, 64 और 10, तो इसका HCF जो है 2 आएगा। देखने से पता चलता है कांड की दो छोटी संख्या और दो से समय भाग देने पर सब कट जाएगा। HCF होता ही यही है कि वैसी संख्या जो सबको काट दे, तो दो जो है इसे यहाँ पर दो अपने से भी कट जाएगा और सबको काट भी देगा, यानी कि HCF 2 हो जाएगा। और नीचे अगर मैंने जैसे कहा कि LCF निकालना है, तो 3, 9, 81 और 27 का अगर हम LCM निकालेंगे, इसका LCM निकालें तो 3, 3, 9, 27, 81, यानी कि 81 इसका LCM हो जाएगा। यहाँ मोरली भी निकाल सकते हैं, ओरली भी निकाल सकते हैं हम। 3, 9, 81, 27 इसका एलसीएम, 81 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे कट जाने भी है इन सबसे, 81 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 एचसीएफ हो गया, 81 एलसीएम आएगा, ऊपर वाला का 2, नीचे वाला है 81, यानी कि 2/81, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। इस तरीके से हम लोग मैथ सेक्शन हम लोग पूरा कर लिए। अब लास्ट सेक्शन बचा है, फोर्थ सेक्शन, जो कि है रीजनिंग से आपका, जिससे 5 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। आइए 5 क्वेश्चन, ये जो 46 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। दोस्तों यहाँ से हम लोगों का मैथ का पोर्शन अब खत्म हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोगों का रीजनिंग का पोर्शन। तो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके बीच सीरीज से है, नंबर सीरीज से। तो हम चाहेंगे कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहे, आप लोग इसे करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर जवाब देंगे, ताकि हम लोगों को पता चले कि आप लोग भी कितना जागरूक हैं और इस चीज़ को कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे वीडियो को। तो हम इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए डेप्थ क्वेश्चन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुत्ता, कुत्ता घर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? लॉजिक दिख रहा है साफ साफ, कुत्ता जो है कुत्ता घर में रहता है, तो गाय जो है गौशाला में रहती है, ये हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा? भेड़ दर नहीं रहता है, घोड़ा जो है गाड़ी, ये घर रहने कहाँ रहता है उसका बात हो रहा है यहाँ पर। भेड़ दल में रहता है लेकिन उसका घर दल नहीं कहता है जहाँ रहता है उसको। खेल स्टेडियम भी तो सफा अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गाय गौशाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न शब्द कैपिटल लेटर में लिखा गया था, 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक प्रश्न शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता, उस शब्द को याद कीजिए। ये तो बहुत अलग क्वेश्चन है भाई। सुपरिटेंडेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इन सभी लेटर्स को मिलाकर कौन सा अक्षर बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है, नहीं बन सकने वाला को आपको मार्क करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सुपरिटेंडेंट में जो है कहीं भी एम नहीं है, सुपरिटेंडेंट में एम आप लोगों को कहीं नहीं दिख रहा होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहाँ कि टेम्पर नहीं बन सकता है, एम है ये नहीं तो कहाँ से बन जाएगा, इसलिए टेम्पर नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है ए बी का पुत्र है तथा सी का भाई है। ए बी का पुत्र है, क्वेश्चन पढ़ से ध्यान देंगे कि हम कहाँ कोमा दिया है, कहाँ कैसे पढ़ना है। ए जो है यहाँ तो रुकेंगे, बी का पुत्र तथा सी का भाई है, लेकिन बी सी का पिता नहीं है, बी जो है सी का पिता नहीं है, सी पुत्र है लेकिन बी पिता नहीं, यानी कि माता हो सकती है, पॉसिबल है। तो बी सी का क्या लगता है? ऑप्शन में भी है माता, माता इसका ऑप्शन हो जाएगा। पुत्र है लेकिन पिता नहीं है, यानी कि माता है तभी तो उसका पुत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीटर 20 मीटर पूरी तक चलता है और बाएं मुड़कर 15 मिनट चलता है, और तब वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 15 मिनट चलता है, तो बताएं वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ऐसे क्वेश्चन करना है, ध्यान देंगे पीटर जो है 20 मीटर पूर्व दिशा को चलता है, 20 मीटर पूर्व, ध्यान देंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम दिशा का एट अ टाइम वहाँ पर नहीं रूल फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ऐसे पूर्व पोस्ट हो झुकते हैं ऐसे वैसे, नहीं। ध्यान देंगे कि जब भी हमारा दाहिना हाथ चलेगा वो
पूर्व होगा, दाहिना हाथ पूर्व को चलता है और हम जब बाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो ये पश्चिम साइड होता है, और जब हम अपने सीधा मुंह की तरफ चलते हैं तो उत्तर साइड होता है, और नीचे देखते हैं यानी नीचे जब चलते हैं तो दक्षिण साइड होता है। तो 20 मीटर पूर्व दिशा को चलता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर है, यहाँ पहुँचा, इसको मीटर नीचे मिटा देते हैं, तो पीटर पीटर जो है यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक आया, 20 मीटर चला पूर्व की ओर, और बाएं मुड़कर यहाँ से अब बाएं मुड़ना है, यहाँ से बाएं मुड़ा, 15 मिनट चलता है, 15 मिनट चला, और तब वह दाएं मुड़कर 25 मिनट चलता है, यहाँ से दाएं दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ से दाएं ये हो जाएगा, 25 मिनट चलता है, 25 मिनट चला, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 15 मिनट चलता है, और यहाँ से फिर दाएं मुड़ा यानी कि नीचे आया और 15 मिनट चला, यानी इसके सीधे में, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी 15 मीटर दूरी है, यहाँ भी 15 मिनट दूरी है, यानी कि यहाँ आ गया। तो बताइए वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभ यहाँ से किया था, यहाँ आके ये दो डिस्टेंस होगा इतना से इतना के बीच, ये भी 25 होगा, कांड के ऊपर 25 है, ये 25 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस पूछ रहा है, ये अगर ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, अगर ये सी था यानी कि सी से बी 25 हो गया, कांड के ऊपर भी 25 इतना दूर का डिस्टेंस, दोनों को जोड़ देंगे 25 और 20 45, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 45 मिनट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन जिसका नाम अब आर्मी की वर्दी दूर नहीं के तहत प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लिए, पहला प्रैक्टिस सेट इस दिन था, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस किए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अपना रिस्पांस ज़रूर दें, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम लोग भी पता चले कि हमको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आगे हम फिर फर्दर इस मुहिम में आप लोगों का साथ दें और आप लोग हम लोगों के साथ देंगे। धन्यवाद दोस्तों।